वो सामने से दो छत्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज सुहेल जी, क्या आपको खाम खा क्या वहम हो गया है? मुझे शक है ये दोनों भाई बाली के कोई दूत हैं। सुग्रीव जी, जब वह आपसे स्वयं मजबूत हैं, तो उनको दूत भेजने की क्या जरूरत है? कुछ भी हो सकता है, इनका भेद जरूर निकालो और कोई अपना भेष बना लो और इसके बाद मुझे फौरन खबर कर देना। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ इनका भेद निकालता हूँ, लेकिन आपने मेरे इशारों की तरफ ध्यान रखना है। ठीक है हनुमान। कहां से आप पधारे हैं? युवाहिर में तो वो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे? इधर जुबा अवस्था, उधर फकीरी खाना है, क्या कारण वन में फिरने का? असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सुहाना है, उधर हवाइयां उड़ रही मुंह पर, इसका भेद न जाना। उत्तम कुल और अक्षत्रीपन के बसव आप में सारे हैं, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? क्या पूछत हो महाराज, हम तो प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों राजा दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से दर से आजार जमाना है। सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बिगाना है। फिरे काटते दिन गर्जी के, इसी तरह मर जाना है। साथ में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राण से प्यारे हैं। क्या पोषक हो महाराज, हम तो प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने आपको अपना सब हाल बताया, मगर अब तक आपने अपना परिचय ना बताया। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं भिखारी हूं, एक क्षत्रिय शस्त्र धारी। मेरा नाम हनुमान है और ये आजकल सेवक महाराजा सुग्रीव जी की निगाहबान है। वो भी आपकी तरह इस जमाने के सताए हुए हैं और अपने ही सगे भाई के हाथों से तंग आए हुए हैं। यदि आप सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे यकीन है कि आप दोनों की एक दूसरे की मित्रता से जरूर इस समस्या का हल हो। हनुमान जी, ठीक है, महाराजा सुग्रीव
के पास चलते हैं। चलिए अपने सगे भाई के हाथों से तंग आए हुए हैं। हनुमान जी, मुझे भी आप इनसे परिचित रहिए और इनका नाम और नाम निवास स्थान बताइए। महाराजा दशरथ के राज दुलारे हैं, इनका नाम श्री राम और श्री लक्ष्मण जी है, जो कि आपकी तरह जमाने के सताए हुए हैं। मेरे सौभाग्य है आपका दीदार हो गया, आज मेरा उद्धार हो गया और सुग्रीव का बेड़ा पार हो गया। सुग्रीव जी, आपकी मेहमान नवाजी से मैं जान निसार हो गया और सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और अपनी उदासी की वजह तो बताइए। सुग्रीव जी, मेरी सुतेली माता ने पिताजी से किसी समय दो वचन मांगे थे, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है और मेरे छोटे भाई भरत को राज तिलक मिला है। मैंने अपने पिताजी का बड़ी ही खुशी से हुक्म मंजूर किया है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण मेरे साथ हैं। हम तीनों एक साथ घर से निकले थे, साथ में प्यारी सीता थी जिसे रावण हमारी गैर मौजूदगी में उठाकर ले गया। अब उनकी तलाश में 13 साल से इसी तरह जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को 20 मार ताने दे रही थी और ना उसे अपने नजदीक आने दे रही थी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो उस धर्मी को नहीं जाने देता। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर देकर फेंके जो मैंने उठा लिए थे। मैं अभी जेवर मंगाता हूं। मंत्री जी, जेवर ले प्रभु आप फिकर न करें, सुग्रीव आपके साथ है, पूरी सेना मेरी आपके साथ है।
हम जल्दी माता सीता को चढ़ाकर ले आएंगे। लीजिए महाराज, आप अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। ये तो मुझे कोई पांव का गहना लगता है। लक्ष्मण पहचानो, भ्राता जी यदि कोई पांव का गहना हो तो मुझे बताइए, तो मैं जल्दी पहचान करूंगा। क्योंकि जब भी मैं माता सीता जी के पास जाता था तो अपना सिर झुकाकर जाता था, उस वक्त उनके पांव का गहना ही मुझे नजर आता था। इसलिए आप मुझे कोई पांव का गहना दिखाइए। अच्छा ये देखो। हाँ भ्राता जी, ये माता सीता का ही पांव का गहना। लक्ष्मण तुम धन्य हो, आपकी एक शर्म और लज्जा का क्या कहना। ये भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वो मिसाल पैदा कर दिखाई। जो आज तक सुनने और देखने में नहीं आई। इधर मेरा वो कमबख्त भाई जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री ही निभाई और मुझको घर से निकालकर जंगलों की खाक सुनवाई। मित्र आपकी इस दुश्मनी की कोई वजह भी तो होगी, मुझे जरा पूरा विस्तार तो बताइए। अगर आप मुझ पर इतना इंसान कर दोगे तो मेरे साथी भी सीता जी के छुटकारे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मित्र आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो, वह जैसे ही आपके पास आएगा और मेरा तीर उसको मौत का पैगाम पहुंचाएगा। महाराज मैं जाने को तैयार हूं, मगर मैं उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफकार हूं। सुग्रीव जी आप चिंता ना कीजिए, आप उसको युद्ध के लिए ललकारिए, मैं पीछे सुपर मौका मिलते ही उसको उड़ा दूंगा। ठीक है महाराज, परंतु देखना अपनी जवान से मुकर मत जाना, मैं अभी जाता हूं।